Shoot up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5. तो guys, आप लोगों ने पिछले episode में तो देख ही लिया होगा कि Dojo Argentino in Zombie Outbreak. मतलब guys, बहुत सारा जो है अभी भी वायरस अटैक चल रहा है जिसके कारण दोस्तों लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लग गया है. ठीक है, तो फिलहाल दिन दिन में दोस्तों जो है जो भी बंदे हैं जिनको भाई अपनी नीड्स जो चाहिए होती हैं जैसे शॉप वगैरह जाना है, कुछ लेना है बाहर से, तो गाइज वो लोग जा सकते हैं. उसके बावजूद वगैरह जो भी बंदे हैं वो नहीं जा सकते हैं बाहर. ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अभी दोस्तों जो है जोम्बी वायरस अटैक काफ़ी तगड़ा चल रहा है. सेम आप दोस्तों इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कोविड-19 से. जैसे कोविड-19 चला था गाइस, तो काफ़ी तगड़े दिन हम लोग जब स्टार्टिंग आई थी, जो वेव आई थी इसकी, हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई भी नहीं निकल रहा था, और कैसे कैसे दोस्तों जो है सब कुछ सीन वगैरह चल रहा था. सेम उसी तरह लॉस सैंटोस में भी चल रहा है. फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को दिन दिन में काफ़ी कम बंदे दिखेंगे, कोई कार वगैरह चलती हुई नहीं दिखने वाली. लेकिन आज हम लोग दोस्तों जो है विजिट करने जाने वाले इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक में कोकुलधाम सोसाइटी. अब गाइस, आप लोगों ने जेठालाल किसने नहीं देखा होगा. फिलहाल उससे पहले मैंने अपने दोस्तों घर पर डोजो अर्जेंटिनो की एक काफी तगड़ी सिक्योरिटी रखी थी, जिन्होंने गाइस कल ज़ॉम्बी आउटब्रेक में मुझे भी बचाया, साथ में माइकल की पूरी फैमिली को भी बचाया था. आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो डोजो अर्जेंटिनो जो ब्रीड है वो काफी तगड़ी, मस्कुलर, साथ ही साथ में दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्रीड है डॉग की, और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल प्लस दोस्तों बहुत ज्यादा डेंजर भी है. मतलब गाइस, इसके कुछ अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स भी हैं डोजो अर्जेंटिनो के. ठीक है, तो फिलहाल अभी दोस्तों अब आप लोग देखो यहाँ पर रोड को. ठीक है, एक बंदा आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखने वाला, और जो भी अगर गलती से कोई दिख गया तो दिखने आ जाएगा मतलब एक तरह से. तो यहाँ पर अभी मुझे क्या करने जाना है, इसमें दोस्तों मुझे जाना है अभी गोकुलधाम सोसाइटी में, जिसके कारण से दोस्तों अमांडा, ट्रेसी एंड जिमी चारों के चारों हम लोग जाने वाले हैं, प्लस दोस्तों डोजो अर्जेंटिनो यानी कि दोस्तों जो हमारा जो डॉग है उसको भी हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं. ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी में, वो भी GTA 5 में. अपने आप में दोस्तों एक गर्व की बात है कि हमारा जो इंडिया दोस्तों लॉस सैंटोस में एक तरह से हम लोग देखने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी, जो कि काफ़ी फेमस सोसाइटी है, काफ़ी तगड़ा सीरियल शो, आप लोग जो भी बोल लो सब TV पे आता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया शो है, मैं तो भाई काफ़ी देखता था उसे. तो फिलहाल अभी दोस्तों हम लोग ने गलत स्टंट ले लिया है, फिलहाल अब मेरे को यहाँ पर एक और स्टंट लेना है, और अब मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों को प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पर, जहाँ पे दोस्तों हमारी एकदम से एकदम रेडी न्यू वाइट कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो फुल्ली इंडियन स्टाइल में दोस्तों आज हम लोग जो है पूरा गेम प्ले देखने वाले हैं. जा रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो कार लेके जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो. तो आप लोग देख पा रहे हो जो महिंद्रा स्कॉर्पियो कितना ज़्यादा बेस्ट है, कितनी ज़्यादा बढ़िया है, और दोस्तों 4 सीटर से भी ज़्यादा, यहाँ पे 6 सीटर तक की ये गाड़ी है मेरे ख्याल से. ठीक है, पीछे 3 बंदे, आगे 2 ड्राइवर, उन दोनों को हम एक ही गिनते हैं, तो 3 4 और पीछे 2 बंदे और एडजस्ट होके बैठ सकते हैं. तो आप लोग देख पा रहे हो कितनी तगड़ी वाइट महिंद्रा स्कॉर्पियो इंडियन कार, पुराना मॉडल, काफ़ी तगड़ा और बेस्ट लग रहा है. आप लोगों ने देखा होगा जब रैली वगैरह चलती है ना इंडिया में, और काफ़ी तगड़े नेता वगैरह चलते हैं, तो इसी कार को प्रेफर करते हैं, और काफ़ी तगड़ी जगह में दोस्तों ये जो है हमेशा कार जो है आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती है. पीछे हम लोगों ने इसमें जॉर्डन की ब्रांडिंग कर दी है, तो जिसके कारण से आप लोग क्या करोगे, जॉर्डन गेमर को सब्सक्राइब करोगे, प्लस दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना. फिलहाल अब मैं जल्दी से जा रहा हूँ अपने घर पर, और ये वाली दोस्तों जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो में हम लोग जो है साथ में बैठाने वाले हैं जिमी को, ट्रेसी को, एनामांडा को, और अपने बोनेट पे यानी कि दोस्तों डोजो अर्जेंटिनो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है अंदर, यानी कि मेरे ख्याल से अभी आप लोग को पता होगा और अपने पिछले एपिसोड में कि भाई डोजो अर्जेंटिनो पागल हो गया था. एक हमारा जो डॉग था जो कि हमारा फेवरेट डॉग था, उसने क्या किया था, फॉक्स को काट दिया था. तो मेरे ख्याल से फॉक्स में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह थे जिसके कारण से उसको जो है सूट नहीं हुआ, और जैसे उसने उसको खून किया तो उसके मुंह में कुछ लग गया, जिसके कारण से दोस्तों उसको एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह सारे के सारे हो गए, और वो काफ़ी तगड़ा दोस्तों जो है पागल हो गया, और उसने क्या किया, हमारे सारी फैमिली को इंजर्ड कर दिया था. तो जिसके कारण से ट्रेसी, अमांडा एंड जिमी तीनों के तीनों थोड़े अनकंफर्टेबल हैं उसको लेके. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको बोनेट में बैठाएंगे. अब बोनेट में दोस्तों मैं उनको कैसे सेट करूंगा अब आप लोग देख लो, लेकिन हम जा रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी. देखो उससे पहले मेरे को पॉन्स बाय में आके यहाँ पर अपने लिए एक काफ़ी तगड़ी ड्रेस बाय कर लेनी है. ठीक है, तो ड्रेस बाय करने से ऐसा होगा कि हम लोग दिखेंगे भी काफ़ी तगड़े, काफ़ी अच्छा लुक लगेगा दोस्तों हम लोगों का, साथ में हम लोग यहाँ पर जो है शू भी बाय कर लेंगे. ठीक है, तो फिलहाल जल्दी से अंदर की तरफ में चलते हैं. तो ये रहा गाइस पॉन्स बॉय की शॉप्स आ चुकी है. तो यहाँ पर अब आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ये मैंने नेवी सूट $5,500 का ले लिया है. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास शू की भी कैटेगरी है, तो शू मैं यहाँ पर वाइट कलर के लेने वाला हूँ.
तो आप लोग देख पा रहे हो ये वाइट ऑक्सफोर्ड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। $790 के हम लोगों ने वाइट ऑक्सफोर्ड ले लिए हैं। तो दोस्तों दिखने में माइकल की जो पर्सनैलिटी है वो तो आप लोगों को पता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा दिखता है वो, उसके पास वेल्ड क्वालिटी भी है और मतलब कुल मिला के बोलूँ तो बेस्ट दिखता है माइकल, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग एक बात देखो यहाँ पर कि हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया था अपनी पूरी फैमिली को कि भाई प्लीज़ बिल्कुल रेडी रहना, मैं जल्दी से आऊँगा और कार का सिर्फ एक हॉर्न बजाऊँगा और तुम लोगों को जल्दी से आके बैठ जाना। तो हमारे सारे के सारे डोजो अर्जेंटिनो जितनी सिक्योरिटी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। मतलब गाइस वो जब भी मुझे देखते हैं ना, अब डॉग को क्या पता गाइस कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, गोकुलधाम सोसाइटी क्या है, लेकिन गाइस माइकल को देख के दो डॉग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ऑलवेज़। जब भी हम आते हैं तो कुछ ज़्यादा प्यार नहीं होता दोस्तों उनका, वो उमड़ता है मेरे ऊपर। तो गाइस वही दोनों मेरे ख्याल से आने वाले हैं, तो देखते हैं गाइस। अब मैं जल्दी से यहाँ पे हॉर्न बजा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने गाइस यहाँ पर हॉर्न बजाया, आप लोग देख पा रहे हो वो लोग कहीं दूसरे घर से मेरे ख्याल से वापस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, ये रहा हमारा सबसे पहला डॉग। दो डॉग्स यहाँ पर आ चुके हैं डोजो अर्जेंटिनो। जिमी ने पीछे वाली बैक सीट ली है और मॉम को आगे बैठ देना भाई। चलो ठीक है ठीक है, हाँ मॉम आ रही है आगे और यहाँ पर दोस्तों ट्रेसी बैठ चुकी है। तो कुल मिला के अपनी हो चुकी है पूरी फैमिली कंप्लीट। दोनों बचे हुए हैं, दोनों को सेट कर लेते हैं, बोनेट पे बैठा लेते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने इनको सेट किया और अमांडा भी यहाँ पर बैठे हो। दोनों डॉग जो अर्जेंटिनो हमारे जो डॉग हैं वो यहाँ पर आराम से बैठ के आगे के मज़े और सवारी ले रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों को दिखा लेता हूँ उसकी लोकेशन कहाँ पर है और वहीं पर दोस्तों हम लोग जो हैं इस वाली कार को लेके जाएंगे। फिलहाल दोस्तों हम लोगों ने पूरी की पूरी सवारी, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो डोजो अर्जेंटिनो का कितना तगड़ा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कान बिल्कुल खड़े हैं जर्मन शेफर्ड जैसे। और गाइस सच में ये डॉग काफ़ी ज़्यादा इनसेन है। आप लोगों को ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना है कि डोजो अर्जेंटिनो कैसा लगता है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अब बहुत बातें हो चुकी हैं, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में। फिलहाल सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्कॉर्पियो लेने गए जिसमें हम लोगों ने फोर सीटर कार को अपने में बैठाया, क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि मैं अगर लैम्बोर्गिनी सियान या फिर कोई स्पोर्ट्स कार लेता तो हमारी पूरी फैमिली उसमें आ सकती थी। लेकिन इसके लिए हम लोग दोस्तों लैम्बोर्गिनी यूरस का इस्तेमाल कर सकते थे। तो अगर आप लोगों को दोस्तों लैम्बोर्गिनी यूरस देखनी है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए अगर कोई फॉरेन कार चाहिए तो फिर कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। लैम्बोर्गिनी यूरस एक परफेक्ट एसयूवी और फास्टेस्ट एसयूवी है दोस्तों पूरे वर्ल्ड की। तो गाइस वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो मैं देखता हूँ उसका जुगाड़ वगैरह करता हूँ गाइस कहाँ से हम लोगों को मिल सकती है, लेस्टर से पूछना पड़ेगा या फिर लिबर्टी सिटी में भी जाके एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या उसकी सेल चल रही है, क्या उसकी प्राइसिंग वगैरह चल रही है, तो वो सब मुझे देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अब दोस्तों यहाँ से जो ऊपर वाला रास्ता है, बाबा के घर के बगल में दोस्तों जो है एक साइट उन्होंने जो है बाय करी है और वहीं पर दोस्तों जो है पूरी की पूरी नई और नई गोकुलधाम सोसाइटी वहाँ पर जो है बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पर है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, आप लोगों को मतलब एकदम से याद ज़रूर आ जाएगी जेठालाल की, और जेठालाल के साथ साथ आप लोगों को जो है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वापस आप लोगों को मिल सकती है देखने को, ठीक है। और आप लोगों को एक काम और करना है, उसको देखना है और सजेशन मुझे ज़रूर से करना है कि क्या हम लोग अपना वहाँ पर पेट हाउस बना सकते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, ये ज़रूर से मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। पहले एक बार गोकुलधाम सोसाइटी देख लो कि कैसी दिख रही है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों माइकल को मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी भी दोस्तों 45 माइल्स का रास्ता बचा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, सिर्फ 45 माइल्स मैंने बोला था तो यहाँ पर अब जो बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 22 माइल्स बचा हुआ है। तो सामने की तरफ में आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये देखो गाइस हम लोग सीधा एंट्री ले चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। फिलहाल मैं इसको जो है पीछे से लेके जा रहा हूँ और हमारे डॉग्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कार पार्किंग के लिए बना हुआ है, पीछे यहाँ पर दोस्तों जो है टैंक्स वगैरह के लिए पाइपलाइन वगैरह गई हुई हैं, ठीक है नीचे से। और यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो चीज़ बनी हुई है ये इसका आउटर एरिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर दोस्तों अब्दुल की शॉप रहती होगी और यहाँ से हम लोग जो है एंट्री अंदर ले रहे हैं। फिलहाल आप लोग देख पा रहे हो इस वाले जो एंट्रेंस है यहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जाना पड़ेगा। आय हाय, तो यहाँ पर डोजो अर्जेंटिनो आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मज़े ले रहे हैं। और गाइस लोकेशन भी कितनी ज़्यादा बढ़िया है, आप लोग को सी का व्यू भी देखने को मिल जाता है। तो भाई जिसने भी ये क्रिएट किया है उसको हैट्स ऑफ गाइस, काफ़ी बढ़िया क्रिएट किया है और बहुत ज़्यादा मस्त है यहाँ पर। ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये गोकुलधाम सोसाइटी जो है एकदम बेस्ट दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल अब मुझे क्या करना है, ये देखो सामने की तरफ में आप लोग देखो ये रही गाइस अपनी गोकुलधाम सोसाइटी, एक पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से कार को पार्क करता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर गाइस एक डोरेमोन बना हुआ है, वही वाला सीन, यहीं से दोस्तों जेठालाल का घर था। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है गोकुल धाम सोसाइटी। और साथ में दोस्तों अब मैं सबको जो है नीचे उतारता हूँ। आ जाओ भाई दोनों नीचे, कि ऊपर ही बोनेट में चढ़े रहोगे, ख़त्म हो चुका है भाई सफ़र अब। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस ये सब जो है नीचे उतर चुके हैं। और नीचे उतरने के बाद अगर आप लोग एक बार सोसाइटी में नज़र डालते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सबके सब घर भी देखने को मिल जाते हैं, उनका कैंपस भी देखने को पूरा का पूरा मिल जाता है, और पूरी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और बढ़िया दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना ये सोसाइटी आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ नया प्लान करने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने मुझे सजेशन दे सकते हो। अमांडा काफ़ी ज़्यादा खुश है, जिम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, और ट्रीसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, और हमारा डॉग आप लोग तो देख ही पा रहे हो और ज़्यादा खुश होता दिख रहा है। ठीक है, तो गाइज़ आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर दोस्तों सब कुछ डोरेमोन्स वगैरह जितने भी इनका जो पिक्चर वगैरह बनी हुई थी वो सब है। ठीक है, आगे की तरफ में जहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है वो भी देख सकते हो कि वहाँ पर जो है रोज़ थॉट लिखता है भीड़े भाई। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मैदान है जहाँ पर दोस्तों करने को हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अपने सजेशन जरूर से मुझे कमेंट करके देना गाइज आप लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने ये गोकुल धाम सोसाइटी काफ़ी अच्छी आप लोगों को लगी तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, और जो भी मैंने सजेशन पूछे हैं वो ज़रूर से आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और जेठालाल के आप लोग फ़ैन हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो में दो दो एक लाइक। सब्सक्राइब कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब ऐसे क्लिक करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे टिक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।